bought us, you know, who made us proud. Tell us the time when you started this journey. Kamal ji, piche. Camera piche. So, journey, तो journey अपनी चाय करके एक चाय की shop है, वहाँ से शुरू हुई थी जहाँ पे तो बहुत मजा प्रतीक दोनों का प्रतीक है. तो जहाँ पे प्रतीक और मैं मिले थे गुड़गांव में एक शॉप है, वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हमें 100 करोड़ लोगों की ज़िंदगी जो है वो बेटर करनी है. तो उसके लिए हमें समझना आया कि अगर हम ब्लॉकचेन की एक कंपनी बनाते हैं तो उससे बहुत इजी होगा उसे स्केल करना. हमने जब बनाया था तो हमने तभी सोचा था कि एक साल के अंदर हमें यूनिकॉर्न स्टेटस हिट करना है, मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिलियन डॉलर कंपनीज बनानी है, मतलब 8,000 करोड़ की कंपनी एक साल से नीचे करनी है. तब जिस जो भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ता गया उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ, चाहे वो गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत रहा, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनी का सपोर्ट बहुत रहा, हमारी आज टीम 110 लोगों की हो चुकी है उनका सपोर्ट बहुत रहा, और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे पेरेंट्स का जो ब्लेसिंग और सपोर्ट है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा. क्योंकि जब हम जर्नी शुरू कर रहे थे तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि हम ये कर पाए, और हम एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं तो उसमें लोगों को और लगता है कि सिर्फ अगर कोई बहुत अमीर घर में पैदा हो रहा है कोई वो ये सब कर पाएंगे. तो एक उसको शैटर करना वो हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज था. बट क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ थे हम दोनों के, और उसके बाद जैसे जर्नी बढ़ी आज हमारे साथ 200 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, 110 हमारी टीम में काम करते हैं, बट 100 से ऊपर सपोर्टर्स हैं हमारे. तो मैं क्या हम लोग ये पॉसिबल कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो अनुभव ठाकुर साहब केंद्रीय मंत्री एंड अपार्ट फ्रॉम हिम पीयूष गोयल साहब, उन्होंने ट्वीट किया आप दोनों के बारे में, ये कितना गौरवान्वित करती है, कितना हौसला अफजाई करती है. यू नो जब केंद्र में बैठी सरकार, केंद्र में बैठे लोग आपके काम को सराहते हैं और आदर्श बताते हैं युवा पीढ़ी के लिए. नहीं, बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि हमने देखा कि जब से हमने शुरू किया है, जैसे प्रतीक ने बोला कि जब से हमने एक कंपनी शुरू की है तो हमारे पास जो गवर्नमेंट और मीडिया का सपोर्ट बना ही रहा है. तो मेरे नज़र से तो ये लगता है कि जो हमारा विजन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इन सबकी बहुत ज़रूरत होगी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग देख रहे हैं जो हम अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहे. आपके और दोनों से एक सवाल और भी है, क्या इसी टेक्नोलॉजी को सुरक्षा के लिहाज से भी इस्तेमाल करने की कोई प्लानिंग है? एनीथिंग इज देयर इन द पाइपलाइन वी वांट टू शेयर? डेफिनेटली हम लोग ऑलरेडी वो जो है चीज़ें बना रहे हैं और आपको बहुत ही सिक्योरिटी में, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कही जाती है सिक्योरिटी के अंदर और अकाउंटेबिलिटी. तो ब्लॉकचेन में एक सबसे बड़ा फायदा होता है जो सोर्स होता है जहाँ से एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है जब तक वो बेनिफिशियरी तक पहुँचता है तो सब आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट बाय नोट उसको ट्रैक कर सकते हो ताकि उसमें कुछ भी इधर उधर ना हो. तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यूज केस है. तो आपको देखिए सर, आपने कई लोगों को रोजगार दिया है, 110 लोगों को बता रहे हैं, आगे आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं अगले 5 साल में कितने लोगों को रोजगार देने की बात? देखिए 5 साल में तो मैं अभी क्या ही बताऊँ, 1,000 से ऊपर हो जाएगा. हमारा अगला ही 6 महीने का जो गोल है हमें 50 और लोग हायर करने हैं, ठीक है? क्योंकि अभी हमने फंडिंग रेज की है तो सबसे पहला हमारा गोल है कि 50 और लोग हायर हो, धीरे धीरे करके ये बढ़ेगा. हमारा जो गोल है फाइनल वो ये, जैसे गूगल वेब 1 में कंपनी बना जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया, फेसबुक ने वेब 2 में किया, तो फायर को वेब 3 में करना है. तो वो हमारा फाइनल गोल है. तो जो भी गूगल ने किया आप उससे सिनोनिमस हमें रख सकते हैं कि भाई हम वेब 3 में कर रहे हैं. आपने फायर के पहले वर्ड में 5 बनाया है, वो 5 के लिए बनाया क्या उसको? तो वो एक कॉन्सेप्ट है जो मैं पिछले 15 साल से प्रमोट कर रहा हूँ. इनफैक्ट मेरी जो पिछली कंपनी थी ऐसी कॉन्सेप्ट या थीम बनी, फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से 5 आता है. तो 5 आया नहीं, फायर आया. फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने बनाया था जब मैं 16 साल का था. तब मैंने देखा था कि जितने भी लोग हैं वो या तो प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं कि सिर्फ पैसा कमाना है ऐसे टाइप की कंपनी से, या कुछ लोग जो अमीर लोग हैं वो चैरिटी की बात कर रहे हैं कि हमें दान देना है. बट कोई भी लोग जैसे बहुत कम लोग दिखाई दे रहे जो उसके बीच में काम कर रहे हैं कि हम पैसा तो कमाएंगे बट दुनिया का बेटरमेंट भी करेंगे. तो फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ये है जितना लोगों का बेटर करेंगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमा पाएंगे. इसका मतलब ये अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक बिजनेस चलाते हैं तो उसमें पैसा ज़्यादा बनेगा कंपेयर टू अगर आप कोल यूज कर रहे हैं, ठीक है? या फिर ऐसे एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं. आप दोनों से बेस्ट एंटरप्रेन्योर का भी अवार्ड मिल चुका है 2020 में, उसके बारे में क्या कहेंगे और आप कैसा लग रहा है उस जर्नी से आगे तक आते हैं? नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है. आप मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, आपने जो बोला कि आप कितना रोजगार देना चाहिए, हमारा पहले दिन से यही एम था कि हम कम से कम 100 करोड़ लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली टच करें. तो कंपनी का सबसे मेन गोल यही है और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता हम ये करते ही रहेंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे. चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.